नमस्कार दोस्तों, मैं मोइन खान आप सबका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, कल मैंने बात करी थी आपसे यूनियन, इंटरसेक्शन और दो समुच्च के बीच का अंतर, पूरक समुच्च के ऊपर। हमने उस पर आपको क्वेश्चन भी कराए थे, प्रॉपर आपको डिटेल से मैंने बताया था। तो आज उन्हीं टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे, वेन डायग्राम के ऊपर, यानी कि वेन डायग्राम कैसे बनते हैं, उन सबका उन्हीं के ऊपर बात करता हूँ। चलिए देखते हैं। तो पहला वेन डायग्राम हम देखेंगे, इसमें पहला वेन डायग्राम है ए यूनियन बी का, कैसे बनता है। ठीक है, अब यहाँ सिंपल सी बात यह है, यहाँ पे यानी कि एक सेट ए होगा और एक सेट बी होगा, और यूनियन का मतलब आपको पता होना चाहिए, जो चीज़ सर कॉमन है वो भी आएगी, जो चीज़ कॉमन है वो भी आएगी, और जो नहीं है उसको भी आपको यूज करना है। ठीक है, तो नॉर्मल हमने ये बनाया, ठीक है, वेन डायग्राम यानी कि एक आकृति बनाई। इसमें आप देखेंगे एक सेट हमने क्या लिया, ए लिया, एक सेट हमने क्या यूज किया, बी यूज किया। अब कोई ना कोई इसमें प्रॉपर ये लोग कहाँ से आए होंगे, यानी कि इसमें भी आपका एक सार्वत्रिक समुच्च होता है, यानी कि यूनिवर्सल सेट होगा, उसको आप कोई राइट करना है, यहाँ पर राइट कर सकते हैं या यहाँ पर कॉर्नर पर राइट कर सकते हैं, तो हम कॉर्नर पर इसको यूज करेंगे। ठीक है, हमको बनाना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब होगा कि ए वाले भी एलिमेंट आएंगे और बी वाले भी एलिमेंट आएंगे, जो उनमें कॉमन होगा वो भी आएगा। यही तो बात हमने सीखी थी। तो यहाँ पे कौन सा आएगा प्रॉपर पोर्शन, तो इतना पोर्शन आपका ए यूनियन बी के अंदर आएगा। देखो, ए भी कंप्लीटली आया, बी भी कंप्लीटली आया, और जो कॉमन है पोर्शन वो भी आया, तो यूनियन में इतना ही पोर्शन होता है। तो सेकंड हम यूज करेंगे इसमें ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग आपको पता है कि सर जो कॉमन है वही सिर्फ लिया जाएगा, तो इसमें भी आपका एक यूनिवर्सल सेट होगा, यानी कि सम में बात होगी, तो एक सेट आपका ए हो गया, एक सेट आपका बी हो गया, इसको हमने ए राइट कर लिया, इसको हमने बी राइट कर लिया। अब देखो इसका मतलब क्या है, जो दोनों में कॉमन हो, यानी कि ए में और बी में जो कॉमन होगा वो लेगा। देखो, अब ए देखो यहाँ से यहाँ तक ये कम्प्लीटली पूरा है, बी देखो यहाँ से यहाँ, दोनों में कौन सा पोर्शन आया, दोनों में ये तो पोर्शन आया है, तो ये क्या आएगा, ये आपका कॉमन हो गया, तो यही क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर बात, तो ये नहीं नॉर्मल है। अब बात करते हैं थर्ड इसमें पोर्शन ए माइनस बी। अब आपको समझना है ए माइनस बी का कैसे बनेगा। ठीक है, हमने ए यूनियन बी देखा, हमने ए इंटरसेक्शन बी देखा, अब ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब आपको मीनिंग पता है क्या होती है, ए के वो एलिमेंट जो बी में आए हों, है ना, यानी कि जब हम माइनस करते हैं तो इसमें क्या आता है, इसमें ओनली आपका ए आता है। क्लियर बात, यानी कि इसमें सीधा सीधा देखा जाए तो क्या होता है, ओनली ए, यानी कि वो एलिमेंट हम नहीं लेते हैं जो आप क्या आए, बी में आए हों। ठीक है, ओनली ए की बात होगी, तो इसको भी अच्छे से यूज करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ भी आपका एक यूनिवर्सल सेट होगा, ए ए आएगा एक सेट, एक सेट हमने बी बनाया, ये बी हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ बात क्या, ए में से बी को क्या करना है, माइनस करना है। देखो, ए ये पूरा है आपका और ये आपका बी पूरा है, तो ए में से जो बी वाला जो पोर्शन आया है ये वाला, ये क्या करना है, माइनस करना, तो कितने बात आएगी, यही तो आएगी ए माइनस बी। यहाँ पे क्या लेना, सिर्फ आपको ए लेना है, यानी कि वो हटा देना है जो आपका ए में आया हो, यानी कि जो बी वाला ये पोर्शन आया है आपका, देखो बी वाला यहाँ से आया कि नहीं आया, तो इसको आपको हटा देना है, तो ये आपका हो जाएगा ए माइनस बी। इसी तरह फोर्थ, जस्ट इसका रिवर्स, यानी कि बी माइनस ए की हम बात करेंगे, तो आपको पता है जब हमने ए माइनस बी किया तो क्या आया, ओनली ए आया, जब हम बी माइनस ए की बात करेंगे क्या आएगा, ओनली, बिल्कुल सही, बी आएगा। क्लियर बात, चलिए इसको बनाते हैं, अच्छे से फॉर्म करते हैं, तो यहाँ भी आपका यू रहेगा, क्योंकि यू आपने सम में रखना है, तो यहाँ पे आएगा ये। अब जरूरी नहीं कि आप यहाँ b माइनस ए किया तो आप पहले वाले को b लें, जो हम यूज कर रहे हैं वही यूज करेंगे, बस आपको ध्यान रखना क्या लेना है, ओनली b, यानी कि सिर्फ b वाला आएगा। तो देखो, ये a वाला इसके अंदर है, यानी कि ये वाला पोर्शन छोड़ के बाकी जो बचा वो आपका ओनली b हो जाएगा, तो इसी तरह आपको यूज करना है। क्लियर बात, चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि जो बचे हुए हैं उनको प्रॉपर देखते हैं, ए डैश। अब देखो, ए डैश आपका प्रॉपर आया, ए डैश को कैसे राइट करते थे, हम लोग लिखते थे यू माइनस का ए, ए डैश का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल में से ए वाले को माइनस कर दो, तो ए डैश होता था। ए डैश को कभी कभी हम लोग ए नहीं भी बोलते हैं, है ना, तो चीज़ें वही नॉर्मल उसी तरह है। तो देखो, अब इसका कहने का मतलब है यू में से ए को माइनस करना, यानी कि यहाँ पे केवल एक सेट ये दे रखा है, एक सेट ये दे रखा है, तो यू वाला आपको पता होता कहाँ पे, यू वाले को तो हम ऊपर रखते हैं, यानी कि यहाँ पे यू रहता है। अब बोला गया यू में से ए वाले को माइनस करना, तो मान लेते हैं ये आपका ए है,
तो टोटल यू है, उसमें से ये वाला माइनस कर देना, बचेगा तो यही वाला पोर्शन ना, तो ये ए नहीं, मतलब क्या है इनमें ए नहीं है, तो ये आपका ए नहीं हो गया। यानी कि हमने क्या फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसमें ए डैश निकालना है, तो यू माइनस ए यानी कि यू यानी कि टोटल जितना था वो आपका यू होता है, उसमें से ए वाले को हटा देना है। तो जब उसमें टोटल में से जब ए वाले को हटाएंगे तो यही तो पोर्शन बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए नॉट होगा। ठीक है, सिक्स नंबर आप इसको इम्पोर्टेंट कह सकते हैं क्योंकि ये चीज़ें कई जगह यूज होंगी। क्या है ए यूनियन बी का नॉट, यानी कि पहली बात तो सिंपल से ए यूनियन बी का निकालने के लिए आपको ए यूनियन बी पता होना चाहिए। जब आपका ए यूनियन बी पता होगा उसी में से वो चीज़ हटा देनी है, और ये कैसे निकलेगा, जब ए यूनियन बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू माइनस का ए यूनियन बी यानी कि यू में से ए यूनियन बी को हटाना है। तो देखो समझिएगा, थोड़ा सा डायग्राम आपका उसी तरह रहेगा, ये आपका U है तो A यूनियन B बनाते हैं, A यूनियन B क्या होगा, ये आपका A हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा B हो जाएगा। तो A यूनियन B तो ये टोटल हुआ ना आपका, यानी कि A भी आया है B भी आया है जो कॉमन ये, अब उसमें से क्या करना है U में से ये चीज़ हटानी है, जब ये चीज़ हटा देंगे तो ये भी हट जाएगा तो ये तो बचेगा इतना, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा ए यूनियन बी का डैश। तो यानी कि जिसका नॉट निकालना है यानी कि वो चीज़ निकाल दी जो बचे वही इसका क्या हो जाएगा ए यूनियन बी का डैश। अब लास्ट पे आते हैं, वेन डायग्राम इसका लास्ट टॉपिक है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, क्या सर यू में से हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल देंगे, ए हो जाएगा। अब पहले ए इंटरसेक्शन बी कैसे बनाया था वो आपको उम्मीद करते हैं पता होगा, आपने अपनी कॉपी में बनाया होगा। यहाँ पे यू है, यहाँ पे आपका ए है, ये आपका बी है, यानी कि उसमें से हमको ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता था, यही तो पोर्शन होता था ए इंटरसेक्शन बी, तो ये वाला सिर्फ पोर्शन आपको निकालना है, बाकी जो बचेगा वो आपका ए इंटरसेक्शन बी का डैश हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी का डैश हो जाएगा। तो ये सारे आपके क्या थे, वेन डायग्राम थे, ये 7-7 आपके वेन डायग्राम हो गए। तो प्रॉपर जो हमने कल इसमें यूज किया था क्वेश्चन उसी उन्हीं के बिहाफ पे ये आपके वेन डायग्राम बनाए गए हैं। अब आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है उसको चलो हम देखते हैं। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लिखा हुआ दो समुच्चयों के सम्मिलन और सर्वनिष्ठ पर आधारित प्रश्न। अब देखो सम्मिलन यानी कि यूनियन की बात हो रही है, सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन की बात हो रही है, इन दोनों को मिला के आपके लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं यानी कि जो प्रॉपर थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं जो अच्छे यहाँ से लिखे होते हैं उन पे को कैसे कलेक्ट करना है, कैसे आपको समझना है उसके ऊपर प्रॉपर चीज़ एक फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ पर शो कर रखा है, उसको देखिए थोड़ा सा। लिखा हुआ है एन, यहाँ पे जो एन है वो आपको नंबर शो करता है, यानी कहने का मसला ये है कि जैसे ए यूनियन बी लिखा है तो उसमें कितने नंबर हैं, ए यूनियन बी के कितने नंबर हैं वो यहाँ पे एन इसको बताता है। ठीक है, तो एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ ए क्या है बी क्या है, देखो ए जैसे आपसे कोई सेट कहा जाएगा प्रॉपर वो आपका ए सेट हो जाएगा बी सेट हो जाएगा। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल कॉफी और टी की बात हो रही है यानी कॉफी और चाय की बात हो रही है, तो पहले कॉफी आया है ना, तो यहाँ पे ए की जगह क्या हो जाएगा कॉफी, मतलब उसका कैपिटल लेटर क्या लेते हैं सी लेते हैं, तो यहाँ एन सी हो जाएगा। और चाय आएगा चाय की जगह क्या होगा टी हो जाएगा यानी कि एन टी हो जाएगा। उसी तरह यहाँ सी यूनियन टी हो जाएगा, यहाँ पे सी इंटरसेक्शन टी हो जाएगा। तो जो वर्डिंग वहाँ पे आएंगे उसी तरह हम उसको शो करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर ये चीज़ है। अब यहाँ हमने इसी बेस पे क्वेश्चन लिखा, अब कैसे इस क्वेश्चन को करना है, क्वेश्चन आपको यानी कि इस फॉर्म में देखोगे चार चीज़ें हैं, एक ये एक ये एक ये और एक ये, इनमें किन्हीं तीन आपको दी जाएंगी क्वेश्चन में कहेगा, या प्रॉपर क्वेश्चन साफ साफ लिखा होगा उसी फॉर्म में, या लैंग्वेज बेस्ड दिया जाएगा, तो उसके बिहाफ पे हमको कलेक्ट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल अब एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे यूज किया, लिखा हुआ है यदि एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं, यानी कि वही यहाँ बात हो रही है जो ए और बी यहाँ यूज किया गया था, यहाँ पे क्या यूज किया गया एक्स और वाई यूज किया गया है, ऐसे समुच्चय हैं कि एनएक्स, देखो एनएक्स आपको यहाँ पे गिवन कितना है 17 गिवन है, एन वाई आपको 23 गिवन है, और एन एक्स यूनियन वाई आपको गिवन 38, तो आपको एन एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखा है हम लिखेंगे यहाँ पे, हम जानते हैं कि क्या होता है एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स एन वाई एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, बस हमने यहाँ पे क्या किया ए और बी की जगह यहाँ एक्स और वाई दिया था, हमने वाई चेंज कर दिया। अब देखो एन एक्स यूनियन वाई आपको गिवन कितना 38, तो यहाँ लिखते हैं 38,
एन एक्स आपको गिवेन है कितना 17, तो यहाँ पर हम 17 यूज करते हैं। एन वाई आपको गिवेन कितना 23, तो 23 लिखते हैं। एन एक्स इंटरसेक्शन वाई जैसे लिखा था वैसे, क्योंकि हमको ये तो निकालना है। दोनों का ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, दोनों का ऐड करेंगे 40 हो जाएगा। एन एक्स इंटरसेक्शन वाई 38। अब देखो इसकी वैल्यू निकालें, यानी कि इसका पॉजिटिव होना बड़ा जरूरी है, तो इसको इधर हम बराबर किधर भेजेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। एन इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 40, ये इधर जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा 38। अब देखो 40 में से 38 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा एन इंटरसेक्शन वाई, तो यही क्या हो जाएगा, यही आपको निकालना था तो ये निकल आया, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। बस छोटा सा काम है, आपको चीज़ें समझनी है, यूज करना है, कहानी खत्म। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी बोल सकते हैं। देखो अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन जो हमने किया था वहाँ साफ साफ आपको इसी फॉर्मूले बेस पे कोई ना कोई चीज़ें फिक्स थी, हमने इजीली वहाँ पे निकाल लिया। लेकिन अब देखो ये क्वेश्चन लैंग्वेज बेस है, इसमें चीज़ें आपको बताने निकालनी पड़ेंगी, कौन इंटरसेक्शन है, कौन यूनियन है, और कौन अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। तो अलग अलग तो आराम से मिल जाते हैं, बस थोड़ा सा मसला फंसता है कहाँ पर, मसला वहाँ फंसता है जब हमको इंटरसेक्शन और यूनियन निकालना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने बॉक्स के अंदर कुछ चीज़ें आपके लिए बनाई हैं, प्रपोज को अब समझते हैं। तो लिखा हुआ इंटरसेक्शन, जब इंटरसेक्शन की बात होगी तो आपके इस तरह क्वेश्चन में और दोनों का वर्ड होंगे, जब दोनों या और कोई ना कोई एक वर्ड होगा, यानी कि वहाँ पे किसकी बात हो रही है, वहाँ पे आपके इंटरसेक्शन की बात हो रही है, और यहाँ पे जब यूनियन की बात होगी तो वहाँ पे या की बात होगी, या सभी, इस तरह के केस आपके आएंगे, है ना। तो आपको उसी में से उसको समझना है कि यहाँ पे यूनियन की बात हो रही है, यहाँ पे इंटरसेक्शन की बात हो रही है। अब समझते हैं, देखो यहाँ पे लिखा 400 व्यक्तियों, अब यानी कि वहाँ पे टोटल कितने लोग हैं 400, जो टोटल की बात होती है वही क्या होता है, वही तो आपका यूनियन होता है। टोटल में क्या आएगा, ए बी वाला भी होगा, बी वाला भी होगा, यानी कहने का मतलब टोटल में हिंदी वाला भी होगा, अंग्रेजी वाला भी होगा, और दोनों हो सकते हैं उसमें, यानी कि दोनों, यानी कि टोटल में सभी हो सकते हैं, और सभी मतलब यूनियन की बात होगी, यानी कि जो आपको प्रॉपर दे रखा है 400, वो क्या दे रखा है, नंबर ऑफ क्या, हिंदी और अंग्रेजी, यानी हिंदी अंग्रेजी दे रखा है, यानी कि सभी 400 दे रखा है। अब बोला गया है कि जो 400 में से थे वो 250 लोग कितने थे, हिंदी जानते थे, हिंदी यानी कि बोल सकते थे, तो हिंदी का हमने ले लिया H, जैसे हमने अभी आपको कॉफ़ी और टी का बताया था, हिंदी का हमने ले लिया H, इसमें कितने लोग थे 250 लोग थे। उसी तरह हमने यूज किया N इंग्लिश का, तो इंग्लिश में कितने लोग हैं टोटल, इंग्लिश में आपके 200 यानी कि 200 हैं, 200 यूज किया। अब समझते हैं इसमें निकालना क्या है। अब देखो आपको यूनियन मिल गया, एच मिल गया, सिंगल ए भी मिल गया, अब समझते हैं यहाँ पे क्या बचा। अब आप सर कहोगे यही तो बचा, हाँ बिल्कुल यही बचा, ये निकाल लेंगे, लेकिन समझते हैं कैसे बचा ये, कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी बोल सकते हैं। अब देखो यानी कि वो हिंदी भी बोलें और अंग्रेजी भी बोलें, यानी कि जो दोनों बोलें, दोनों मतलब यानी कि देखो लैंग्वेज में आ रहा कि नहीं आ रहा, दोनों, दोनों मतलब क्या, इंटरसेक्शन की बात हो रही है, यानी कि वो हिंदी भी बोले और अंग्रेजी भी बोले। जब दोनों की बात होगी, यानी कि सर आप बात कर रहे हैं एच इंटरसेक्शन ही, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी जो बोले, इसको आपको फाइंड करना है। तो लिखेंगे क्या, हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है, तो यहाँ लिखिएगा हम जानते हैं कि एच यूनियन ई इक्वल टू एन एच प्लस एन ई माइनस का एन एच इंटरसेक्शन ई, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब देखो ये चीज़ आपको पता है, ये चीज़ कितनी है आपकी 400 यानी कि 400, एन एच कितना है आपका 250, एन ई कितना है आपका 200, एन एच इंटरसेक्शन ई है। अब देखो यहाँ पे 400 ऐसे लिखा जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 450 एन एच इंटरसेक्शन ई, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे यानी कि पक्षांतर कर देंगे, तो ये इधर नेगेटिव था, इधर आएगा पॉजिटिव, यहाँ बचेगा 450, ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब आपको पता है 450 में जब 400 जाएगा कितना बचेगा 50 बचेगा, तो यही चीज़ें हैं जो दोनों बोल सकते हैं, यानी कि वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, वो कितने लोग हैं 50 लोग हैं।
ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन आपके बुक में भी होंगे, जो आप बुक प्रेफर करते हो उसमें बुक क्यों होंगे, आप लगाने की कोशिश करिएगा। नॉर्मल आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि चीज़ें क्या हो रही हैं, वर्डिंग समझना है कि चीज़ें हो क्या हो रही हैं, उसी बिहाव पे आप बात करेंगे। तो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था जो हमने बात करी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।